हाय गाइस, सो आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एस ब्लॉग, एंड जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. सो पिछली वीडियोस में हमने क्या किया, एस ब्लॉक को थोड़ा उसका ओवरव्यू लिया कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक की पोजीशन किस तरह से है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों बोलते हैं. फिर उसके बाद हमने बात की थी कि उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप एंड ये सेकेंड ग्रुप, कि इस एलिमेंट के नीचे ही इस एलिमेंट को क्यों रखा गया है. ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले उन वीडियोस को देखो, तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा. एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सो पहले आप उन वीडियोस को देखो, वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करो, इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखो, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डील करेंगे. वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, आप उन वीडियोस को चेक करो, तभी आप इन वीडियोस, इस पर्टिकुलर वीडियोस को अच्छे से समझ पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की. सो बिफोर मूविंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, इसका दूसरा नाम इज वैलेंसी. अब ऑक्सीडेशन स्टेट को ही वैलेंसी बोलते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी एक ही मतलब है दोनों का, एंड जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स वो हमें बताएगा कि उस पर्टिकुलर एटम के पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की फॉर स्टेबलाइजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज we have, let's take example of sodium, atomic number 11. अब अगर इस particular atomic number 11 के साथ हम इस atom की electronic configuration करें, तो this will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. यहाँ आपको देखने से क्या लगेगा कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, दो. तो पहले इसके पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये रहा हमारा सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सब शेल. तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8. अब आगे 8 + 2 = 10, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, तो यहाँ पे एक गया. तो लास्ट वाले शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन. बट वी नो के थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड आर 18, बट यहाँ पे कितने हैं, एक. तो दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है या एक नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है. अब हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए. तो हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए, इसी तरह से एलिमेंट्स भी अपनी स्टेबल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में रहना पसंद करते हैं. सो यहाँ पे देखो, पहला शेल कम्प्लीटली फिल्ड, दूसरा शेल कम्प्लीटली फिल्ड, बट तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18, बट इसके पास कितने हैं, एक. सो दैट मीन्स अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल. पहला सिचुएशन, या हम इसमें क्या करें, एक में 17 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो यहाँ पे +17 इलेक्ट्रॉन, एक सिचुएशन. या हम दूसरा केस क्या लें इसमें, कि इसी पर्टिकुलर शेल में से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, अब इस 17 को ऐड करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8, 18, जो कि एक स्टेबल पैटर्न है. अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने की वजह से वी विल गेट 2 एंड
8, जो कि ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. सो आप खुद सोचिए अभी कि हमने क्या, दो हमारे पास केसेस हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए, कि या हम क्या करें 17 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर दें या एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, तो कौन सी वाली सिचुएशन सही रहेगी? सी, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हमने किसी एटम से रिमूव करना है या ऐड करना है, फॉर दैट वी नीड सम एनर्जी. अब अगर हम 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करवाएंगे, तो आप खुद सोचो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. 17 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना इज़ अ बिग टास्क एज़ कम्पेयर टू एक इलेक्ट्रॉन निकालना. तो हम क्या करेंगे, ये वाला केस फॉलो नहीं करेंगे, तो इजिली इसलिए वो क्या करता है, एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि 17 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने में है. सो बेटर ऑप्शन इज़ टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके भी वी आर गेटिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. अब एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने बाहर निकाला इसमें से, तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा? सी, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसकी वजह से आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आएगा कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. अब हमने बाहर निकाल दिया, इसीलिए सोडियम जो है दिस विल एक्ट एज एन ए पॉजिटिव इन इट्स आयनिक स्टेट. सो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया सोडियम की स्टेबिलिटी बनाने के लिए. तो इसी को हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी. अब सी, तो ये एग्जांपल देखने के बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी दैट. सो वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज the charge acquired, yeah, you can write it as charge attained by an element after losing or gaining electron, after losing or gaining electron to make its electronic configuration stable. So ये हुआ oxidation state का definition, कि oxidation state मतलब कि कितना हमने एक electron को या दो electron को या जितने भी हैं, किस particular atom से हमने कितने electrons add करे या उसमें कितने electrons gain करे, उसी हिसाब से वो एटम क्या करेगा, खुद पे चार्ज अटेन करेगा, एंड इसीलिए हम उसी पर्टिकुलर चार्ज से उस पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं. अब अगेन यू कैन नोट दिस डेफिनेशन. सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स जिससे और क्लियर होगा. अब दो केस हम कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं लिथियम का, एंड यहाँ से एक सपोज वी टेक बेरिलियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, एंड यहाँ पे अगर आए हम तो दिस इज 1s2 2s2. यहाँ पे अगर लिथियम की बात करें, इसकी वैलेंसी कितनी, 1. यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी वैलेंसी कितनी, 2, या ऑक्सीडेशन स्टेट अभी चेक करेंगे उसको. अब देखो यहाँ पे अगर हम अगेन फर्स्ट ग्रुप कंपेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. इधर आओ, यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम स्टेबल, दूसरे शेल में फॉर स्टेबिलिटी वी नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे वी कैन से 2, बट यहाँ पे कितने एक्चुअल में होने चाहिए थे 8, बट वी हैव 1.
तो अब बताओ अगेन वही सिचुएशन सोडियम जैसी कि दो केस, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, या इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे ये एंड हमारे पास एक स्टेबल नंबर आ जाए। तो कौन सा ज़्यादा इजी? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ कर जाए अपना, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बनाएगा 1s2 विच इज़ अ स्टेबल नंबर। तो अगेन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज़ किया तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम लिथियम पे क्या करेंगे, एक पॉजिटिव लिखेंगे। यही एक पॉजिटिव हमें क्या दिखा रहा है, इसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये एटम जो है, दिस एलिमेंट, दिस कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लिथियम इज +1। अब इसी तरह से जैसे हमने सोडियम के लिए कैलकुलेट किया था, तो सोडियम पे भी कितना आया था, अगेन Na पे भी आया था +1, राइट। अब पोटाशियम का अगर हम चेक करें, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो यहाँ पे भी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, विच इज़ डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी, 1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे। सी, दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इज़ अ स्टेबल नंबर, अगेन 8 इज़ अ स्टेबल नंबर, 2 इज़ अ स्टेबल नंबर, बट 8 के बाद अगर हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 1, विच इज़ एन अनस्टेबल नंबर। क्योंकि स्टेबिलिटी नंबर आपको याद रखना है, दिस इज़ 2, 8, 18, 32। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट नंबर इज़ स्टेबल। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर दिखेंगे आपको, तो दैट मीन्स यू हैव टू स्टेबलाइज दैट नंबर, चाहे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा के या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के। सो अगेन, पोटाशियम भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब पोटाशियम पे चार्ज कितना, 1 पॉजिटिव। अब इन तीनों में आपने अगर कॉमन चीज़ कोई देखी हो, दैट इज़ लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों एलिमेंट्स पे एक जैसा चार्ज है। तो दैट मीन्स इसीलिए हमने क्या किया, इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि तीनों पे क्या, एक जैसा चार्ज। तो अगर इसी तरह से हम फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा के देखें, तो हर एक एलिमेंट पे हमें कितना चार्ज दिखेगा, +1 का। सो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आपको हमेशा कितनी दिखेगी, +1। अगर आपको पता है कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, स्पेशली अगर फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें, कि आपको सपोज कहीं पर दे गया सीजियम, कि बताओ कि भाई सीजियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। अब सीजियम अगर आपको पता है दैट इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो डायरेक्टली यू कैन राइट +1 विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सीधे आप क्या करोगे, आपको याद रखनी है ये चीज़, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। सो इफ़ यू नो कि ये एलिमेंट उस पर्टिकुलर ग्रुप में है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसी हिसाब से इस हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1, या चार्ज ऑन दैट एलिमेंट इज +1। क्लियर? सो लेट्स सी इसी तरह से सेकेंड ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप में अगेन हमने क्या कहा, 1s2, 2s2। अब देखो यहाँ पे पहले ग्रुप में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में हम सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगेन यहाँ पे दो सिचुएशंस बनेंगी, या हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाएं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करें। तो अगेन सोचो कम एनर्जी किस में लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए बेरिलियम पे क्या चार्ज आएगा, Be+2। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इसीलिए हमने क्या किया, एक तो ये प्लस लगाया। प्लस क्या डोनेट करेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, वो है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे उतना नंबर यू हैव टू राइट। एंड ये प्लस वहाँ पे आपको दिखाएगा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम।
एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. नाउ अगेन फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो तो स्टेबल राइट. थर्ड में वी आर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन, सेकेंड ये फर्स्ट शेल स्टेबल, सेकेंड शेल स्टेबल, बट थर्ड शेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स बट इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी हो गई गड़बड़. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें अगर, तो वी कैन गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 2 and 8. इसीलिए आप लिखते हो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, Mg +2. क्यों, सबसे पहले प्लस इसलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाला एंड 2 इसलिए वो नंबर आपको दिखाएगा. प्लस से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले वो दिखाएगा आपको ये नंबर. तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो यहाँ पे इधर बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, दोनों पे कैसे चार्ज आया, +2. एंड दोनों एलिमेंट्स किस ग्रुप में प्रेजेंट हैं, सेकेंड ग्रुप में. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको. सपोज कैल्शियम वी आर टेकिंग, इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अगेन 2, 8, 8, बट यहाँ पे 2 है, बट हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ शेल में. तो फोर्थ शेल में ये नंबर आपको एक अनस्टेबिलिटी देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी 2 के रिस्पेक्ट में 1 ही हमें अच्छे से देगा. सो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर अगर निकाल दें तो कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम विल फॉर्म +2. सो इसी तरह से हमने क्या देखा कि अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो हर एक एलिमेंट पे चार्ज कितना, +2 का. सो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. पहले ग्रुप की अगर हम बात करें, हर एक एलिमेंट दिखाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो हर एक एलिमेंट दिखाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो आप प्रैक्टिस करो एक बार इन सब चीज़ों को, सब एलिमेंट्स को एक बार खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करो, हर चीज़ों को कनेक्ट करो, तभी ये चीज़ें और क्लियर होंगी आपके लिए. सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करो, अपने डाउट्स पूछो, या आप हमें कंटैक्ट करो ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक. सो आप कुछ भी सोर्स यूज़ करके हमें डायरेक्टली कंटैक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर नाउ, वी विल कम विद दी अनदर वीडियो. थैंक यू.